डिस्ट्रिक्ट उज्जैन का रहने वाला हूँ। हम लोगों की ज़मीन यहाँ ग्राम हर्षोदन में ही आती है। 130 बीघा ज़मीन है हम लोगों के पास। हम लोग 100 एकड़ में लगभग आलू करते हैं, लेकिन हमको आलू रखने का दिक्कत आता था, तो हमने ना कोल्ड स्टोर लगाने का करा, तो इसमें हम लोगों को हॉर्टिकल्चर मिशन से मिले हम। उन्होंने हमको ये हॉर्टिकल्चर मिशन की योजना बताई, जिसमें हम लोगों ने ये कोल्ड स्टोरेज डाला, शिव कमल कोल्ड स्टोरेज, जिसमें हमको हॉर्टिकल्चर मिशन से 1,40,00,000 रुपए अनुदान राशि प्राप्त हुई। हमारी कोल्ड स्टोर की लागत 5.5 करोड़ है। मैं पहले नौकरी करता था, 16 साल मैंने नौकरी करी। पहले मैं खुद तनख्वाह लेता था, लेकिन आज हम लोगों ने 30 लोगों को रोज़गार दिया है यहाँ पर। तो मैं आज मिशन और हमारे मुख्यमंत्री जी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इस हॉर्टिकल्चर मिशन में ये जो कोल्ड स्टोरेज पर देते हैं सब्सिडी, ये यथावत रखे और आगे सुचारू रूप से इसको चलाते रहे। श्रीवास्तव, उप संचालक उद्यानिकी जिला उज्जैन। 2015 और 16 में राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन योजना अंतर्गत कोल्ड स्टोरेज को अनुदान दिया था। उस समय प्रोजेक्ट लागत कोल्ड स्टोरेज की 5,000 मैट्रिक टन पे 5 करोड़ के आसपास थी, जिसपे जो है 35% अनुदान दिए, 1,40,00,000 दिया गया है। इनके द्वारा सफल क्रियान्वयन किया जा रहा है और इनके सहयोग से आसपास के 40 किसानों को जोड़ा है और कार्य कर रहे हैं। अभी उज्जैन में 35 कोल्ड स्टोरेज कार्यरत है। थैंक यू।